एसएसजी का यूनिट नंबर 3 ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक है इंडस रिवर एंड प्लेन्स। ठीक है, तो इसके अंदर जितने टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है, सबसे पहले इंडस रिवर, फिर ट्रिब्यूटरीज, प्लेन्स और बलूचिस्तान प्लेटू। तो जी स्टूडेंट्स, इंडस रिवर के बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ। इंडस रिवर जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर है पाकिस्तान का। ठीक है, 3200 किलोमीटर लॉन्ग है इनके, इसकी लंबाई जो है 3200 किलोमीटर है। हिमालय माउंटेन्स इसी के अंदर आते हैं और फॉल्स इंटू अरेबियन सी। ये जो है इंडस रिवर ये अरेबियन सी में गिरता है और यहाँ पर जो कैनाल सिस्टम है वो वाइड कैनाल सिस्टम है, बहुत मतलब कैनाल सिस्टम इसका अच्छा है। तो जी स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेन्स। प्लेन्स जो फ्लैट एरिया होता है प्लेन्स कहलाता है। ठीक है, इसमें एलुवियल सोइल होती है। एलुवियल सोइल क्या होता है, ये जब सैलाब आते हैं जो सैलाब के साथ जो मिट्टी आती है वो मिट्टी एलुवियल सोइल कहलाती है। ठीक है, ये दरकेज होती है और ये उन इलाकों में होती है जो दरियाओं के साथ साथ होते हैं। उसके बाद प्लेन्स के अंदर सैंड ड्यून्स डेजर्ट्स आते हैं, मतलब ये रेत के बड़े बड़े टीले या सहरा होते हैं प्लेन्स के अंदर। इसके बाद इसके सब रीजन्स हैं, लोअर इंडस और अपर इंडस। जो लोअर इंडस है ये है थार के अंदर वाक़ है और अपर इंडस प्लेन जो है ये थार में वाक़ है। तो जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि इन पॉइंट्स को आप समझ रहे होंगे। तो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ट्रिब्यूटरीज। अब ट्रिब्यूटरीज इसका मानी होता है मुआवनीन। अब इंडस रिवर के मुआवनीन जो हैं वो कौन कौन से दरिया हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं झेलम की। ठीक है, नंबर 2 चनाब, 3rd नंबर पे है रावी, 4th पे है सतलुज। ये 4 मुआवन ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की। ठीक है, और ये पांचों दरिया एक मुकाम पर मिलते हैं, उसे पंचरथ बोलते हैं। पंचरथ का मतलब होता है अ प्लेस ऑफ फायर रिवर्स, जहाँ पर ये दरिया सारे आपस में मिल जाते हैं उसे पंचरथ बोलते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, हमने लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट है बलूचिस्तान प्लेट्यू। ठीक है, बलूचिस्तान प्लेट्यू और बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सूबा है। ठीक है, इस सूबे के अंदर सुलेमान माउंटेन्स आते हैं। सुलेमान का पहाड़ी सिलसिला जो है वो बलूचिस्तान के अंदर है। इसके अलावा मकरान रेंजेस इसके अंदर है, मकरान की पहाड़ियाँ इसके अंदर हैं। इसके अलावा डोबा मुकाकर का जो पहाड़ी सिलसिला है वो भी बलूचिस्तान के अंदर है। तो ज़रात के हवाले से ये इलाका जो है ये बेस्ट नहीं है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और ज़रात वहाँ पर अच्छी तरीके से काश्तकारी नहीं हो पाती। इसके बरक्स मिनरल रिसोर्सेज में इलाका जो है रिच है। यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज काफ़ी मकदार में, यहाँ से ऑयल जो है ये निकला है, इसके अलावा कोयला है वगैरह वगैरह, यानी कि मिनरल रिसोर्सेज में ये इलाका रिच है और ज़रात में ये इलाका जो है ये ज़रात के लिए बेस्ट नहीं है। तो जी स्टूडेंट्स, आज हमने अपना टॉपिक इंडस रिवर एंड प्लेन्स पढ़ा है। इसमें हमने इंडस रिवर को डिस्कस किया है, ट्रिब्यूटरीज को डिस्कस किया है, प्लेन्स को डिस्कस किया है एंड बलूचिस्तान प्लेटू को डिस्कस किया है। तो उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप अपने कॉन्सेप्ट को मज़ीद समझने के लिए, मज़ीद बेहतर करने के लिए वीडियो को बार बार वॉच कीजिएगा ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और उसके बाद आप वर्किंग कीजिएगा। जैसा